गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं एम एस श्रंकारी पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सबके लिए कुछ प्यारे से वीडियो लेके आई हूँ। प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा, कोशिश है कि आप लोग अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं बड़ा उ की मात्रा। जैसे कि हम लोग ने पहले वीडियो में छोटा उ की मात्रा पढ़ चुके हैं, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं बड़ा उ की मात्रा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पैक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आइए हम सब पढ़ेंगे बड़ा उ की मात्रा। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है फूल, तो फूल हमारा कैसे दिया हुआ है, तो फ लिखेंगे, ल लिखेंगे और उसमें बड़ा उ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा फूल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिल्क, तो हम लिखेंगे दूध, तो दूध में बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा बनेगा दूध। यहाँ पे दिया हुआ है मल्ली, तो मल्ली में मूँग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा मूली। आप लोग फिगर भी देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि आलू दिया हुआ है और ये मात्रा अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे आलू हो गया, तो ये आलू दिख रहा है ना, तो ल में हम लोग को बड़ा उ की मात्रा लगाएं, तो ल में अगर हम बड़ा उ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है हमारा आलू। ओके, जैसे कि किस चीज़ का फिगर है, भालू। ओके, तो यहाँ पर भाल ल भाल मान सपोज डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पर भाल लिखा हुआ है, अगर उसमें आप लोग को बड़ा उ की मात्रा लगाना है तो आप लोग फिगर देख के लिख सकते हो ना, बता सकते हो कि किस में बड़ा उ की मात्रा लगेगा। तो अगर हम ल में लगाते हैं बड़ा उ की मात्रा तो क्या बन जाएगा हमारा भालू। जैसे कि यहाँ पे हमारा है जूता, तो यहाँ पे लिखे हैं जता, तो अगर हम लोग सोचते हैं ये जूता है तो ज में ना लगेगा हमारा बड़ा उ की मात्रा, जू। आप लोग बोल के सकते हो, देख सकते हो जूता, तो ज में बड़ा उ की मात्रा आ रहा है ना, जूता, ता तो ऐसे ही आ जा रहा है जूता, तो आप लोग बोल के ऐसे देख सकते हैं किसमें हमारा बड़ा उ की मात्रा है। जैसे यहाँ पे फूल, तो फूल में उ की मात्रा आ रहा है ना, तो हम किस में लगाएंगे, फ में लगाएंगे। जैसे कि दूध, दूध बोलते हैं तो दूध में हमारा उ की मात्रा आ रहा है तो हम लगे दूध, दूध में हमारा बड़ा उ की मात्रा आ रहा है ना, तो हम लोग द में बड़ा उ की मात्रा लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक और दिया हुआ है मूली, तो मूली दिया हुआ है तो मूंग, आप लोग बोल के देख सकते हो मूली, तो म में आ रहा है ना बड़ा उ की मात्रा, तो हम म में बड़ा उ की मात्रा लगा देंगे। ओके, आगे है गाओ गुनगुनाओ। आइए हम सब गाओ और गुनगुनाओ करके पढ़ते हैं। पी कर दूध खुश रखो, झूला झूल पर पाठ ना भूल। ओके, आगे है पढ़ो, तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है भूख, तो इसमें भी आप लोग अगर आप लोग को मात्रा लगाने नहीं भी आ रहा है तो आप लोग बोल के देख लेना। जैसे कि भूख, तो आप लोग को पता है कि भूख होगा लेकिन उ की मात्रा किस में लगेगा, तो आप लोग बोलना भूख, तो आप लोग खुद देखना कि उ की मात्रा कौन से शब्द में आ रहा है, ख में या भ में। भूख तो भ में आ रहा है तो आप लोग भ में बड़ा उ की मात्रा लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि धूप, तो आप लोग बोल के देखना धूप, तो धूप में उ की मात्रा आ रहा है तो उसमें आप लोग को बड़ा उ की मात्रा लगा दे रहा है। ओके, आप लोग घर पे ऐसे ही ट्राई करते रहिएगा तो आप लोग को बहुत आसान रहेगा। आगे हमारा सही जगहों पर बड़ा उ की मात्रा लगाओ। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कड़ा, तो कड़ा में हम क्या लगाएंगे कि हमारा सटीक वर्ड बन जाएगा। ओके, कौन मतलब बड़ा उ की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे कि हमारा अच्छा वर्ड बन सके। ओके, तो यहाँ पे कड़ा दिया हुआ है तो एक बार हम लगा के देखते हैं, तो क्या बन गया हमारा कूड़ा। ओके, सरदास, सरदास, तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, र में लगा के देखेंगे, सरदास हो गया। ओके, तो हमारा क्या लगेगा, इसमें लगेगा हमारा सरदास। ओके, मैंने दो बता दिया और ये जो चार बचा हुआ है वो आप सब कंप्लीट करना। एक शब्द में उत्तर लिखो, ये क्वेश्चन आंसर भी आपको ही करना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। क्या पीना है, जैसे गाँव के मुनाव आप सब अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी लगेगा। ओके, क्या पीना है, तो उसमें था ना दूध, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे दूध। क्या झूलना है, तो क्या था झूला। क्या नहीं भूलना, तो पाठ, बहुत ईजी है ना। बड़ा उ की मात्रा से बने झूले में रंग भरो। ओके, जो बड़ा उ की मात्रा से बना हुआ है इसमें हम लोग को कलर करना है। ओके, इसे आप लोग बहुत अच्छे से कलर कर लेना, कलर करके उसके बाद आप लोग ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। तो सही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जैसा मैं वीडियो बता रही हूँ आप अपने बच्चों को घर पे बिल्कुल भी वैसे पढ़ाइए और पढ़ा के और उनका वीडियो बना के ग्रुप में ज़रूर सेंड करें। जो हमारा एम एस श्रंकारी पब्लिक स्कूल का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ज़रूर सेंड करें। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो वीडियो के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर बुक्स ले लेते हैं जल्द से जल्द तो
तो उनके लिए बहुत आसान होगा पढ़ाई करना। तो आप जल्द से जल्द बुक्स ले लीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए कुछ अलग लेके आऊँगी। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।